मेरे पाकिस्तानियों, ये याद रखना, कभी अल्लाह की बरकत हमारे मुल्क में नहीं आएगी जब तक हमारे में इंसानियत नहीं आएगी, इंसानों की कदर नहीं आएगी, जब तक हम ये जुल्म का निजाम नहीं खत्म करेंगे, जब तक ये जो भेड़िए बैठे हैं जिनके पेट नहीं भरते, ये खा खा के एक घर दूसरा घर तीसरा घर, पहला अरब दूसरा अरब तीसरा अरब 100 अरब, पहले खुद पैसा बनाते हैं फिर बच्चे शुरू हो जाते हैं अरबों रुपया बनाने। जब तक मेरे पाकिस्तानियों आप इनके खिलाफ खड़े नहीं होंगे, जब तक आप जुल्म का मुकाबला नहीं करेंगे। कुरान की आयत है कि बड़ी कौमें मैंने बर्बाद की जो मेरे हुक्म पे नहीं चली। तो पाकिस्तानियों, ये आपके लिए अल्लाह ने मौका दिया है, अल्लाह ने आपको मौका दिया अपनी तकदीर बदलने का। मैं अल्लाह से दुआ भी करता हूँ और मैं आपको भी कहता हूँ कि अल्लाह मेरी कौम में वो शऊर पैदा कर कि इस मौके को वो जाने ना दे और अपनी जिंदगियां अपने बच्चों का मुस्तकबिल बदले, ताकि ये वो पाकिस्तान बने जिसकी इलामा इकबाल ने एक दफा ख्वाब देखी थी। ये एक नजरिए पे कौम बनी थी, इस्लामी फलाई रियासत, एक इंसानियत का निजाम और एक अदल और इंसाफ के निजाम पे कौम बनी थी। मंजिल करीब है पाकिस्तान, अब सिर्फ इमरान खान बल्ले पे निशान।